नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हर्षिता बघेल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाटन के दीनदयाल स्टेडियम में विधानसभा स्तर के खेल महोत्सव का विगत दो दिनों से आयोजन किया जा रहा था, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर की टीमों ने हिस्सा लिया। खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी और रस्साकसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका समापन बुधवार को हुआ। पाटन विधायक अजय विश्नोई के द्वारा विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला ग्राम थाना और पौंडी छपरी के बीच हुआ, जिसमें थाना पंचायत की टीम को 39 अंकों के साथ विजय श्री हासिल हुई। वहीं रस्साकसी में सिमरिया कंतौरा और पौंडी छपरी हुए मुकाबले में सिमरिया कंतौरा ने 2 अंकों से विजय श्री हासिल की। विधायक अजय विश्नोई द्वारा विजेता टीमों को शीट मेटल और 21,000 की राशि से पुरस्कृत किया गया। वहीं उपविजेता टीमों को 11,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। 2 दिनों तक चले इस आयोजन को देखने बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के दर्शक उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष जगेंद्र सिंह, विधायक प्रतिनिधि आनंद मोहन पल्ला, देवेंद्र यादव, शिव पटेल, देव कुमार यादव, गजेंद्र सिंह, राघवेंद्र यादव, जितेंद्र ठाकुर, आदित्य नामदेव, सत्यम मेहरा, दीपक जैन के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पाटन से दीपक सेन की रिपोर्ट। खेल एवं महोत्सव एक मझौली में और एक पाटन, दो आयोजन हुए। तकरीबन 2,000 खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। दर्शकों की संख्या तो अपार थी, नौजवानों का उत्साह बिल्कुल आसमान पर थी। मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि इन खेल महोत्सव के माध्यम से मैं नौजवानों के बीच में एक खेल का वातावरण पूरे क्षेत्र में बनाने में सफल हुआ हूँ। और मेरे को विश्वास है कि गांव-गांव में ये खेल इसी प्रकार से चलेगा। लोग उदान्य बुराइयों से दूर होकर खेल के प्रति नौजवान जुड़ेगा और अगले साल होने वाले खेल महोत्सव की तैयारी में जुड़ जाएगा। इन सारे माध्यमों से हम ये भी सिद्ध कर पा रहे हैं कि हमारी जितनी टीम है वर्किंग्स की, चाहे वो हमारे उत्साही नौजवानों की हो, कार्यकर्ताओं की हो, नगर परिषद की हो, जनपद की हो, इन सबका भी सहयोग इतना मिलता है। कोई भी अच्छा काम करेंगे तो सब लोगों के हाथ जुटेंगे और उनके माध्यम से हम खेलों में नौजवानों को जोड़ पाए हैं। इसके लिए नौजवानों को भी बहुत बहुत बधाई। आज केंद्र सरकार ने